ZX6R को हमने बुकिंग करा ली और भाई ये बस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ZX6R। तो भाई उसकी थोड़ी सी मतलब की झलक दिखाऊंगा। दो दो बाइक लगी हुई है तो मुझे शायद बुक क्या। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? होप करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में आप सबको भाई मैं ऐसी चीज मतलब की फिर से इंस्टॉल करवाने वाला हूं। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई आपकी बाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो भाई वापस से X3 किट को इंस्टॉल कर दिया जाए। तो भाई आज के मैंने भाई काफी सोचा समझा और भाई देखा यार करवा लेता हूं, ऐसे भी घर पे बड़ी बड़ी खराबी हो रही थी तो मैंने सोचा कोई नहीं करवा लेते हैं। उसके बाद भाई रैप का सोच रहा था मैं नया करवाने के लिए, तो वो भी धीरे धीरे सोच रहा हूं कुछ अच्छा सा मिले ना तो वो करवाऊंगा। तो भाई अभी मैं जाऊंगा भाई किट डलवाता हूं और बाइक का थोड़ा बहुत काम है वो भी करवाऊंगा। और साथ में भाई आज ना मौसम इतना ख़राब है ना बाहर की, मतलब कि जिस दिन मेरा मन होता ना कुछ बनाने का भाई उस दिन मौसम खराब हो जाता है। जिस दिन कोई मन नहीं होता भाई उस दिन मौसम इतना अच्छा होता है। अभी मैं चलो कोई नहीं, मौसम को क्या करना है, जाना तो है, कुछ ना कुछ बनाते हैं, चलो निकलते हैं घर से। बाकी सारी बातें ना बाइक पर करते हैं। आज आपको मैं ना बाइक दिखाऊंगा स्टॉक और भाई उसके बाद चीज़ें डलवाने के बाद दिखाऊंगा। और साथ में दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं एक्स्ट्रा डलवाने वाला हूँ, वो क्या पता आज हो पाएंगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलो चलते हैं यार, तो फिर आपको भी मजा आने वाला, ठीक है? बाइक की थोड़ी लुक चेंज होने वाली है, तो चलो चलते हैं निकलते हैं। बाकी सारी बातें ना बाइक पे करते हैं। पहले अभी मैं जा रहा हूँ किट डलवाने और भाई ये देख लो अभी कुछ कंडीशन इस तरह की है भाई, इसको वॉशिंग करवानी है और भाई इसका ना वाइजर मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करवा दूँ। आज मैं वाइजर भी इसका चेंज करवा दूंगा। तो मौसम आप देख सकते हो, मौसम ठीक रहा ना भाई इसका वाइजर लेने के लिए मेरे को सीढ़ी जाना पड़ेगा। तो आज मैं कह रहा हूँ कि मैं वाइजर भी चेंज करवा दूंगा। तो भाई वाइजर के साथ ना काफ़ी अच्छी लुक आती है इसकी भाई, किट डलवाई हो या नहीं डलवाई हो पर यार जो वाइजर के साथ इसकी लुक आती है ना वो नेक्स्ट लेवल, मतलब कि कुछ 10 नंबर और ऐड हो जाते हैं फिर मॉडिफिकेशन में, तो सुंदर भी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो चलो देखते हैं अब आज वो भी कटवा देंगे। तो चलो चलते हैं यार, मौसम कितना ख़तरनाक है ना भाई कि बारिश कभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश तो हो रही है, थोड़ी थोड़ी मतलब कि 1-2% मान के चलते तो कभी कभी ना बारिश का ड्रॉप पड़ जाता है। तो अभी चलते हैं यार, मज़ा आने वाला है। आज आप काफ़ी बंदे मेरे को भाई 1-2 बंदा मिला भी था भाई कि अर्जुन भाई किट डलवा दो वापस, तो चलो यार आज फाइनली ना डलवा ही देते हैं यार, क्या जा रहा है। मैं आपको पता जैसे इसकी किट डलवानी थी, वह किट का सीन ऐसा हुआ कि अभी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश था तो मैं किट जो साथ में लेके गया था मैंने वहाँ पे छोड़ दी। तो अभी चलते हैं भाई कावासाकी में, आप सबको दिखाता हूँ कावासाकी की न्यू ZX6R जो जम्मू में पहली आई है। तो चलो मैं सोचा था कि चलते हैं जाते जाते ना, साथ में सुमित जी ने मेरे को बोला था कि मैं गाइस पानी देखो किधर जाता है और ये मेरे को कह रहा नहीं जाना है। तो यार 390 यार इतना सा तो झेलना पड़ेगा ना गाइस। तो क्या हो गया यार, सुपर बाइक है हमारी यार, अरे देखो कितना पानी है, इस पानी में से बाइक निकाल लिया देखो। भाई इस पानी में से बाइक निकाल दी बोले तो इसलिए तो धीरे चल रहा हूँ गाइस, कह रहा धीरे धीरे चलो मेरी पिट गिली हो जाएगी। तो गाइस अभी ना चलता है कावासाकी में आपको ना दिखाता हूँ। सो गाइस पहुँच चुके हैं कावासाकी। तो गाइस अभी कावासाकी में और पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे बुकिंग चल रही है भाई, ये बुकिंग सच में चल रही है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता भाई। वहाँ पे भाई आपको पता ही है ये रोज ऐसे करते हैं, बाइक पता नहीं कब आएगी, जीनो ले रहे थे जीनो, तो भाई अब कह रहे हैं ZX6R ले, पर आप पता नहीं कौन सी लेंगे मुझे कोई समझ नहीं आ रही भाई। काफी टाइम से सुन रहा हूँ इनकी बातें, और भैया आप कैसे हो? करा ली है बुकिंग, ये कितनी बुकिंग, कितने पैसे दिए जीनो ने? समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गया, इतना पैसा आ गया यार, इतना तो कावासाकी में रोज का 10-20 लाख आता रहता है। मुबारक फिर आपने बुकिंग करा ली बाइक की, थैंक यू, पहले भी कराई थी, कैंसिल करवा के ठीक। तो गाइस बाइक की फाइनली ना G900 को कैंसिल करवा के ZX6R को हमने बुकिंग करा ली और भाई ये बाइक होने वाली है जीजू की। तो कब आ रही है? ये कह रहे हैं 2 महीने, 2-3 महीने, 2 महीने भाई, तब तक अपनी पेमेंट शॉर्ट है, कुछ वो भी आ जाएगी भाई। जब भी ये बाइक आएगी मैं पक्का पहली राइड मैं लूंगा, ओके, पहले बैठूंगा ही मैं आज भी चलाएगा भाई पहली राइड भाई। देखो मजा आने वाला है आप सबको और मुझे भी, मुझे ज्यादा आने वाला है क्यों चलाओगे। लेकिन भाई पहली राइड ये लेगा तो मैं फंस गया हूँ यार, अब जानू अगर बोले मैंने भी पहली राइड लेनी है वो तो बोलेगा नहीं भाई, वो ऑलरेडी सुपर बाइक चलाता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये भी भाई वो भी भाई, अब मैं भाई हुई नहीं, फिर मेरी बेइज्जती है यार, एंड में मैं चलाई भाई नहीं, ऐसा कुछ अगर हुआ तो फिर हम जानू और मैं दोनों निकल जाएंगे भाई। खाता मैं भी नहीं हूँ इसलिए हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा लेट रिकवरी करेंगे पर भाई अभी मजा आने वाला काफी ज्यादा। यहाँ पे हमें कावासाकी में भाई देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे दादा है इसीदा, इसे तो डीप ब्लॉग चक्कर, इसे डीप ब्लॉग।
नहीं अभी 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 क्या बोल रहे हैं, आए किसके साथ, जाना किसके साथ? मैं आपके साथ नहीं आया ना, इनके साथ आया ना। हाँ ये तो गलत बात है। मैं वहां से गलत पहुंच गया, मुझे एक बार बुला जा रहा है। मैं कहां पे इन्होंने एक बार बोला कि मेरे घर पे आ जाओ, इन्होंने मैं बेवकूफ बनाया 5 घंटे। देख रहे हो बड़ा करके बैठा है वो भूत की तरह। ओ गाइस, बड़े-बड़े ब्लॉगर के साथ देखा आजकल कैसे छोटे ब्लॉगर मिल रहे हैं आगे। चेक करो कौन बड़ा कौन छोटा। जो वीडियो में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप दोनों की बात है, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि देखो भाई क्या हो रहा है यार, ऐसा गलत है। गलत है मतलब कैमरा ऑन है मेरा भाई, भाई है जाना मेरे। अब सोने जा रहे हो? सोने जा रहे हो? अभी मेरे साथ ना थोड़े मेरे भाई आए मिलने के लिए। भैया आपको कसम लगी, जीजू क्या बोल रहे थे? जासमीन जी कैसी है? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो जमाना, देख रहे हो अपनी, देख रहे हो भाई क्या बोल रहे थे? जासमीन जी कैसी है? देखा इन्होंने इनको बोला, और आपने क्या बोला नहीं पूछना ना। हां जी जी आपने बोला नहीं पूछना। कितने प्यारे भैया, क्या क्या के बारे में नहीं बोला चाहिए भाई, किसी के बारे में नहीं बोला चाहिए, अपने काम से काम रखो भाई। भाई देख रहे हो भाई भाई ये मैसेज मैंने बहुत बंदे को दिया, आप समझ जाना कितना। मैं बोल रहा हूँ अर्जुन जान अपनी भाई भाई ये बोला कुछ हो रहा है, चलो रहने दो। बड़े चलाक भाई, जब मेरा कैमरा ऑन होता है ना चुप हो जाते हैं, क्या चक्कर है? अर्जुन जान अपनी, अर्जुन जान अपनी, देख लो भाई कैमरा ऑन होता है ना, बड़ी पावर है कैमरे की, क्या चक्कर? कैमरा छोछो को गिरा देता है, देखा भाई कैमरे की पावर। तो भाई अभी मैं हूँ कावासाकी, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ZX6R। तो भाई उसकी थोड़ी सी मतलब कि झलक दिखाऊंगा आपको, जो जम्मू में आई है अभी 2-3 बाइक है, एक दो की तो डिलीवरी भी हो गई है, पर जिसकी नहीं हुई है ना भाई मैं अभी वो आप सबको दिखाता हूँ। तो चलो दिखाते हैं बाइक आप सबको। सो भाई अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये रही वो बाइक, देख लो भाई ये चेक करो, पूरी ZX6R है, मतलब ZX10R है यार, है ना भाई। ये देखो इसकी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ आपको मैं अच्छे से, ये चेक करो क्या बात है, पूरी की पूरी 10R की लुक दे रही है ये। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत आप पूरी साइड से देखो आप, क्या बात है यार। और भाई इसको बोलते हैं ZX6R 600 बोलते हैं इसको भाई, पर हाँ जे 636 है, देख रहे हो 636। चेक करो भाई टायर चेक कर लो, और भाई मेरे को तो प्यारी लगी है भाई, आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और भाई जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे लाइक्स होंगे यार बोलेंगे भाई कि बुक करो भाई, करवा लेंगे GN9 को छोड़ के ना, इसको बुक करा लेंगे भाई। इसका मीटर चेक करो एक बार, देख रहे हो तेल तूल तो है नहीं इसमें, काफ़ी प्यारी बाइक है यार, बात तो है बाइक में, तो देखते हैं मेरे को सूट कर रही है। हाइट भी इसकी 10R की तरह ही है, तो हाँ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो सेम ही लग रही है 10R की तरह हाइट, तो कैसी लग रही है भाई? तो बड़े करके बना सूट कर रही है, तो यही ले लेंगे, ले तो जीनो के आपको पता जाते एक बाइक तो लेनी थी, सुपर बाइक एक ना एक लेनी थी, ये ले या फिर जीनो इन ले, कमेंट करके जरूर बताना, लेंगे तो थोड़ी लेट ही, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ठीक है, क्योंकि मेरे को तो फेयरिंग्स वाली बाइकें पसंद है, तो आप मैं शुरू से देखोगा लेट मैंने रखी नहीं है, मैंने जितनी बाइकें रखी हैं भाई फेयरिंग वाली रखी हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी लेनी चाहिए, फेयरिंग वाली की G900 ले, जो आप बोलोगे भाई कमेंट करके वो आप बाइक ले लेंगे, बुक करा लेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको मेरा लेने का, इसी मैं थोड़ी लेट लूँगा। तो एक ये भाई, एक ये कपड़े के अंदर लगी हुई है, ये देखो दो दो बाइकें लगी हुई हैं, तो ये शायद बुक है, ये किसी की बाइक है, बुक हो रखी है। तो चलो यार कैसे लगी वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके बता दो। सो गाइस आप सबको बाइक दिखा दी है भाई, अभी चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपको घर पे, बाकी सारी बातें ना भाई घर पे करेंगे, काफी ज्यादा लेट हो गया, जिम भी जाना है यार, तो चलो चलते हैं यार। सो गाइस अभी जा रहे हैं घर पे, तो मौसम काफी ज्यादा देख रहे हो आप, सुबह से ही मौसम ऐसे था, तो चलते हैं यार घर पे, तो बाकी बातें ना भाई घर पे ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं यार बाकी ZX के साथ जो कि अपने जम्मू में आ चुकी हैं, जिसने भाई जल्दी लेनी है ना वो बाकी भाई जाकर भाई ले सकता है, बुकिंग करा सकता है अपनी, ये शायद किसी की बुकिंग पड़ी है, तो अगर आपको लेनी हो भाई बुकिंग कराओ, और बाइक लो काफ़ी प्यारी बाइक है यार, मतलब कि फेयरिंग भी इसकी मुर्गी 10R की लुक देती है यार, सही बताऊँ तो 10R जैसी लगती है, 10R तो नहीं है पर उसकी तरह लगती है भाई देखने में थोड़ी बहुत। तो चलो चलते हैं भाई, बाकी 10R का मुकाबला थोड़ी ना है, 10R तो 10R है ना भाई, तो चलो यार चलते हैं भाई। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा भाई, होप करता हूँ सबको अच्छा लगा हो भाई, ऐसे ही भाई कोशिश तो हम करते हैं भाई डेली ब्लॉग बनाने की, पर भाई हो जाता है कभी कभी बीच बीच में भाई नहीं बना पाते, तो चलते हैं भाई। अभी कीटी का इस ब्लॉग में आपने देखा होगा भाई, स्टार्टिंग में मैं लगा था अभी कीटे डलवा लूँगा, पर भाई वहाँ पर ना इतना ज़्यादा रश था, तो उन्होंने बोला था भाई आपकी बाइक का जो काम है वो आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तो आराम से करवाओ, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उससे ना वाइब्रेशन रह जाती है बॉडी को, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई वाइब्रेशन रहे, तो आराम से करवाएंगे, कोई नहीं क्या बात, आप एक दो ब्लॉग के बाद आपको देखने को मिलेगी, तो अच्छे से करवाएंगे पहले काम, उसके बाद आपको किट जल्दी देखने को, उसका काम है शुरू हो चुका है,
वो भी मैं मतलब नेक्स्ट एक दो ब्लॉग को शूट करूँ उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई आज की वीडियो जो है वो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मस्ती वीडियो, तो चलिए बाय बाय।